हेलो हेलो, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू डीआईवाई वीडियो। और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं मेरी कारीगरी के ये बेहतरीन 3 नमूने, जिसे मैंने बनाया है बिल्कुल फ्री, मतलब कुछ भी पैसा इसमें नहीं लगा है। सिर्फ ये 4 मिरर, इसको मैंने खरीदा होगा पेंट, और ये फेविकॉल, सिर्फ यही है। और ये तो वन टाइम मतलब इन्वेस्टमेंट है, इसको एक बार खरीदो तो बहुत सारा डीआईवाई बन जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि इसको बनाने में, मतलब इन तीनों को बनाने में मुझे कुछ भी 0 पैसा लगा है, कुछ भी नहीं लगा। और देखने में भी कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अगर लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलते हैं, बढ़ते हैं, मतलब दिखाते हैं कि कैसे मैं बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, सच बोलूँ तो इस वीडियो को बनाते हुए मैं बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हूँ। मेरा जोश लेवल बहुत ही डाउन हो रखा है। पिछले 2 वीडियो मतलब बिल्कुल भी अच्छा रिएक्शन नहीं आ रहा है आप लोगों की तरफ से, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब डीमोटिवेट हो रखी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ये DIY वीडियो अब ना बनाऊँ, शायद ये मेरा लास्ट DIY हो सकता है। और मैं मतलब वीडियो नहीं बनाऊँगी, लेकिन DIY तो बनाती ही रहूँगी, कुछ ना कुछ बनाते रहूँगी। कलाकार हूँ तो कलाकारी तो नहीं छूटेगी, लेकिन हाँ जब बहुत ज़्यादा मैं बना लूँगी तो बीच बीच में मेरा DIY कलेक्शन आता रहेगा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या बनाया है, लेकिन DIY वीडियो फ़िलहाल के लिए मैं अभी नहीं बना रही हूँ। क्योंकि सच बोलो तो जब मैं बनाती हूँ तो उस वक्त मुझे कैमरा ये सब सेट करना होता है, इतना प्रॉब्लम होता है। फिर भी मैं बनाती हूँ और उसके बाद आप लोगों का रिएक्शन बहुत ठंडा रहता है, तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हो जाती हूँ। क्योंकि जब मैं बनाती हूँ कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट, तो उस वक्त मुझे कॉन्शियस रहना पड़ता है, कैमरे को देखना पड़ता है, सेट करना पड़ता है बार बार, तो डिस्टर्बेंस होती है मुझे। एक तो पीस ऑफ माइंड भी मेरा मतलब डिस्टर्ब होता है, तो क्या फ़ायदा ऐसा वीडियो बना करके। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं DIY वीडियो नहीं बनाऊँगी, सिर्फ कलेक्शन DIY कलेक्शन वीडियो ही लाऊंगी। पहला DIY मेरा बातों में बनके तैयार भी हो गया, और इसका 2-in-1 यूज़ मैं करूंगी। एक शोपीस की तरह इसका यूज़ होगा, बाकी अंदर डब्बे के अंदर मैं कुछ सामान भी रख लूंगी। तो बहुत ही काम की चीज़ मैंने बनाई है, और इसको मैं 10 out of 10 दूंगी। और दूसरा जो DIY है, माई गॉड, इसमें तो कुछ बनाने में बिल्कुल भी मुझे कुछ मेहनत नहीं लगा। बस कार्डबोर्ड ऐसे चिपकाया और नीचे में नाड़ा, मेरे पास ऐसे फालतू पड़ा हुआ था उसको लगा दिया। इतना सिंपल और सोवर लुक आ रहा है इसका। और इसके जो अंदर फ्लावर मैंने डाले हैं वो भी मैंने बनाया है पिस्ता का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बोहो लुक आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी फिलहाल, और आगे कुछ इसमें ऐड ऑन करना होगा तो करूँगी, क्योंकि ये लुक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसको मैं ऐसे ही एज इट रहने दूंगी। और तीसरा जुड़िया हुआ है, इसको बनाने में मुझे मेहनत तो बहुत लग गया, क्योंकि ये जो पुराना सा बैंगल बॉक्स है फटने की जैसा हो भी रखा था, तो पहले इसको मैंने ढेर सारा लेयर लगाया कागज पेपर का, फिर उसके बाद मेरे पास ये बहुत चमकीला सा, ये कोई गिफ्ट बैग जो आती है उसमें रहता है प्लास्टिक का, तो ये मतलब कॉटन फेब्रिक नहीं रहता, थोड़ा सा प्लास्टिक जैसा रहता है, तो इसको चिपकाने में फेविकॉल से चिपक नहीं रहा था, तो चिपकाने में बहुत मेहनत लगी। फिर कुछ कुछ चिपक गया तो फिर इसको निकालना मैं चाहती नहीं थी, क्योंकि फेविकॉल इतना वेस्ट हुआ है, मेहनत भी वेस्ट हुआ, तो फिर कैसे क्या निकालना। तो फिर उसके ऊपर ही मैंने कॉटन का वेस्ट, मेरे पास कुछ फेब्रिक था उसको मैंने चिपकाया। फिर उसके बाद जा करके कलर वलर पैटर्न कुछ ड्रॉ किए कलर से मैंने, तो थोड़ा सा कलरफुल दिखा। फिर मिरर लगा दिए, और ये जो स्टोन आप देख रहे हैं वो भी मैंने, मेरे पास पुराना कोई कपड़ा था उसमें था, उसमें से निकाल करके मैंने स्टोन इस पर चिपकाए हैं, तब जाके ये बहुत ही सुंदर सा लुक आया है। तो इसमें मुझे मेहनत लगा है, चलो कोई बात नहीं, लास्ट में अच्छे से बन के तैयार हो गया। और ये मजबूत और टिकाऊ बैंगल्स बॉक्स मैंने बना करके रेडी कर लिया है अपने लिए, और बहुत ही अच्छा है। और मेरे नियर एंड डियर वन अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उनको ये ज़रूर दूंगी, गिफ्ट करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।